गाइस आज हम पीवीसी पाइप से ब्लूटूथ स्पीकर बनाने वाले हैं। ये आपका हिला देगा, समझ रहे हो आप? ये आपका घर हिला देगा। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस ये मैंने यूज करा है स्पीकर, 3 स्पीकर यूज करा है, 2 बिग स्पीकर यूज करा है, 1 स्मॉल स्पीकर यूज करा है। और गाइस ये है मेरे पास पाइप। आप जब भी ये पाइप को हीट करते हो गाइज, एक चीज़ याद रखना गाइज, इन्हें ज़्यादा देर तक हीट मत करना वरना ऐसे काले हो जाएंगे, इसलिए गाइज आपको कम हीट करना है। आपको यूज़ करना है सैंड पेपर, उसके हेल्प से रफ कर लेना है, ये स्मूथ हो जाएगा। और गाइज ये थोड़ा मतलब इसके ऊपर वो बिखरे बिखरे से लगे रहते हैं, जब हम इसे काटते हैं प्लास्टिक लगी रहती है, तो गाइज वो साफ हो जाएगी। कुछ इस टाइप से कर लेना है। गाइज मैं स्पीकर के ऊपर शोल्डरिंग कर लेता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव वायर ज्वाइन कर लेता हूँ स्पीकर में। और गाइज मैंने ये पतले वायर यूज़ करे हैं, ये अच्छे रहते हैं, और आपको मोटे वायर भी यूज़ कर सकते हो। और गाइज अब मैं इनके नीचे से निकालते जाता हूँ वायर्स, कुछ इस टाइप से मैंने निकाल लिया है। और गाइज वायर कट कर लेता हूँ, और गाइज ये एक और स्पीकर में ये वायर ज्वाइन कर दूंगा मैं, ये छोटा स्पीकर है। Thank you.
अब हम इसके ऊपर स्क्रू टाइट करेंगे, ग्लू गन नहीं लगाएंगे, ग्लू गन निकल जाती है। सो गाइस हम स्क्रू टाइट करेंगे और इससे बहुत परफेक्टली टाइट हो जाएगा। एक बार लग गया तो दूसरी बार निकल भी जाएगा क्योंकि स्क्रू हम टाइट करेंगे और ग्लू गन लगाते। सो गाइस वो एक बार लग जाती है और कभी हम निकालते भी तो गाइस मतलब कभी निकल भी जाता है स्पीकर। सो गाइस हमें वापस से ग्लू गन वेस्ट करनी पड़ती। सो गाइस आप एक एक रुपये के स्क्रू ले आना, चाइना स्क्रू, और वो टाइट हो जाएंगे। और थोड़ा सा आपको शोल्डरिंग आयरन की हेल्प से हल्का सा होल कर लेना जिससे ये परफेक्टली होल कर ले ये चाइना स्क्रू। गाइस ये इनमें थोड़ा सा होल चाहिए रहता है, फिर वो धीरे धीरे कसाते जाते हैं, चूड़िया पिनती जाती है। और गाइस स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से मैंने दोनों तरफ स्क्रू टाइट कर लूँगा। और गाइस दोनों दो स्क्रू टाइट करें, सो गाइस ये परफेक्टली टाइट हो गए हैं। और गाइस उस स्पीकर में भी मैंने टाइट कर लिए हैं। और गाइस ये छोटा सा स्पीकर में स्पेस नहीं थी स्क्रू टाइट करने की। सो गाइस मैं ग्लू गन लगा देता हूँ इस छोटे से में। तो इस टाइप से आपको कर लेना है। और गाइस ग्लू गन थोड़ी आइट साइड भी लगा देता हूँ जिससे ये परफेक्टली चिपक जाए। और गाइस देखिए ये परफेक्टली चिपक गया है थोड़ी सी देर में ही। नए हो तो चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ मॉड्यूल प्लेट, इसमें USB पेन ड्राइव सब चीज़ लग जाएगी, AUX भी लग जाएगी। गाइस ये दोनों वायर मतलब इसमें हम ज्वाइन करेंगे बैटरी। और गाइस ये मेरे पास 1200 mAh की लिथियम बैटरी, गाइस ये ज्वाइन कर लेंगे, ये हमें 1.5 से 2 घंटे का बैकअप दे देगी। और गाइस आपको कभी ज़्यादा बैकअप चाहिए तो गाइस आप बड़ी बैटरी लगा सकते हो 2000-3000 mAh तक की। और गाइस हम शोल्डरिंग कर देते हैं, फर्स्टली वायर के ऊपर थोड़ा सा शोल्डरिंग कर देंगे और उससे परफेक्टली चिपक जाए। और गाइस देखिए अब हम शोल्डरिंग कर देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव मॉड्यूल प्लेट में बैटरी का। हमने छोटी फैक्ट लाइट लगाई है गाइस, 3.7 वोल्ट वाली है। और गाइस ये अच्छे से ग्लो हो जाएगी, कम करंट आएगा क्योंकि। और गाइस देखिए हमने टेपिंग कर दी है इस मॉड्यूल प्लेट के ऊपर क्योंकि गाइस इसके अंदर मोड्स भी हैं अलग अलग। तो सो गाइस इसके बटन्स भी है इसके अंदर। गाइस ये मैं यूज़ कर रहा हूँ कार्डबोर्ड, गाइस इसके जो साइड में हम लगाएंगे इस कार्डबोर्ड को। गाइस थोड़ा सर्कल टाइप का हम काट लेते हैं इस कार्डबोर्ड को। और गाइस देखिए इधर हमें लगाना है कार्डबोर्ड को। और गाइस ये कार्डबोर्ड को हम टेप की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। और गाइस ये कार्डबोर्ड थोड़ा सा आपको बड़ा करना है क्योंकि गाइस हम टेप लगाएंगे तो टेप लग जाए, अंदर नहीं जाए कार्डबोर्ड, ऐसा आपको कट करना है। और गाइस मैं इस साइड भी लगा देता हूँ कार्डबोर्ड कुछ इस टाइप से। और गाइस देखिए मैंने टेप्स लगा दिए हैं।
तक ये वीडियो देखो और ये वीडियो